ओ पूरी दारू पींदी बाली बाली किते होना जावे टल्ली में। गाइज आप लोग लेंस ब्लर फ्लैश इफेक्ट किस तरीके से अपनी वीडियो पे डाल सकते हो इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ। और गाइज आप लोगों ने इस टाइप की वीडियो अपने इंस्टाग्राम के अंदर भी देखी होगी यार, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लगती है। तो इस वीडियो को किस तरीके से बनाना है स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइज हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन को रोटेट कर लेना एंड रोटेट करने के बाद यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। गाइस हमारा एप्लीकेशन है कैपकट, ठीक है। आप लोगों के पास अगर कैपकट नहीं है तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इजीली जाके डाउनलोड कर लेना। और गाइस ओपन करने से पहले कैपकट ना सबसे पहले आप लोगों को कोई सा भी VPN जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने कनेक्ट किया है। अगर कनेक्ट कर लोगे तभी आप लोगों का जो इफेक्ट है फिल्टर एनिमेशन यही सब काम करेगा, ठीक है। वरना आप लोग बाद में बोलते हो यार कि हमारा अप्लाई मतलब काम नहीं कर रहा है, हमारा ऑप्शन ही काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बोलते हो। तो सबसे पहले VPN कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना एंड यहां पे आप लोग एक वीडियो कोई सी भी अपनी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, जिस वीडियो पे आप लोग अपना फ्लैश इफेक्ट डालना चाहते हो। तो यहां पे गाइस मैंने अपने वीडियो को ऐड कर लिया, मतलब अपनी ने यहां नीरज भाई की एक वीडियो हमने ऐड कर लिया है। सबसे पहले इसका साउंड जो है म्यूट कर देंगे, ठीक है, यहां पे। एंड लास्ट में गाइस हमारे इस एप्लीकेशन की तरफ से एक वाटरमार्क देखने को मिल जाता है, तो इसको भी हम सिंपली यहां से डिलीट कर देते हैं, ठीक। यहां से डिलीट करने के बाद गाइस अब हमें क्या करना होगा कि यहां पे देख सकते हो सबसे पहले वीडियो की हमारे वीडियो पे कोई भी इफेक्ट या फिर फ्लैश इफेक्ट कुछ भी नहीं है, एनिमेशन वगैरह कुछ भी हमने ऐड अभी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल वीडियो है, ठीक है। तो यहां पे गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है कि फ्लैश इफेक्ट करने से पहले हम ऑडियो पे चलते हैं एंड यहां साउंड पे चलते हैं। एंड जो साउंड आप लोगों ने प्रीव्यू पे देखा ना, वो साउंड अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। यहां से एक्सट्रैक्ट पे जाके उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना एंड यहां से इंपोर्ट साउंड ओनली पे क्लिक कर देना। तो यहां पे हमारा सॉन्ग आ चुका है, यहां प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी आप मतलब अपने आप वीडियो पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एंड जहां तक हमारा म्यूजिक वीडियो क्लिप है वहां तक हम इसको स्प्लिट कर देते हैं हमारा जो म्यूजिक है, और बाकी का पार्ट डिलीट कर देंगे, ठीक। अब गाइज हमें क्या करना है कि सिंपली इस वाले म्यूजिक वाले लेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड करने के बाद गाइज यहाँ पे मैच कट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। करने के बाद गाइज आप लोगों का अगर ये साउंड है तो जैसे जैसे मैं बीट लगा रहा हूँ उस तरीके से लगाना, और या फिर अलग साउंड है कोई दूसरा साउंड अगर आप लोग अपनी वीडियो पे यूज़ कर रहे हो तो आप लोग साउंड सुन के ना यहाँ ऐड बीट पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो आप लोगों की वीडियो मतलब म्यूजिक पे ना लग जाएगा, मतलब बीट लग जाएगा, ठीक है। आज मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बीट लगा लेना एंड लगाने के बाद यहाँ से डन कर देना, ओके। एंड यहाँ पे देख सकते हो म्यूजिक वाले लेयर पे छोटे छोटे येल्लो कलर के डॉट देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को क्या करना है कि सिंपली इस डंडी को, ये व्हाइट वाला डंडी को इस ये येल्लो डॉट पे लाना है और ऊपर वाला जो हमारा लेयर है इस पे क्लिक करके स्प्लिट कर देना है इसको, ठीक है। मतलब हमारा जो वीडियो क्लिप है उसको डॉट के हिसाब से स्प्लिट करते जाना है। तो जहां जहां पे आप लोगों का लगाया है ना, आप लोगों ने लगाया है डॉट को, ठीक है, वहां पे मतलब बीट लगाया है वहां पे आप लोग कुछ इस तरीके से स्प्लिट करते जाना, ठीक है। तो मैं सारे बीट पे स्प्लिट कर देता हूं कुछ इस तरीके से, तो आप लोग भी इतना कर लेना। एंड इतना करने के बाद गाइज अब हमारा मेन चीज आता है कि फ्लैश इफेक्ट किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली यहां पे क्लिक करना, ठीक है। अब हमारे वीडियो वाले यहां पे व्हाइट कलर का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना। करने के बाद गाइज आप लोगों के सामने इतने सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, यहां पे देख तो काफी सारे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में गाइस हम किसी और वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को मेन चीज बेसिक चीज बताता हूं कि फ्लैश किस तरीके से डाल सकते हो। तो यहां पे पांचवें नंबर पे एक फ्लैश नाम का एक ऑप्शन है, इस पे सिंपली क्लिक कर देना। करने के बाद गाइस यहां साइड में देख सकते हो अप्लाई ऑल का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे क्लिक कर देना तो ये आप लोगों के सारे क्लिप पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे गाइस हमने सारे क्लिप पे अप्लाई कर लिया है। अब गाइस मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से हमारा जो फ्लैश है वो इफेक्ट ऐड हुआ है, ठीक है। यहां पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से, मेरा थोड़ा बीट पास पास में था इसलिए थोड़ा इस तरीके से दिख रहा है। आप अगर आप लोग चाहो तो दूर दूर पे भी कर सकते हो फ्लैश इफेक्ट, यहां पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से काफी तगड़ा दिख रहा है देखने में, ठीक है। बीट के हिसाब से डालोगे तो और भी खतरनाक लगेगा, ठीक है ना। तो जहां तक हमारा वीडियो क्लिप है वहां तक हम म्यूजिक को रखते हैं, बाकी का पार्ट हम यहां से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एंड यहां पे एक बार और देख लो यार, काफी सही तरीके से एकदम फ्लैश इफेक्ट हमारे वीडियो पे आ गया है। आई होप कि आप समझ ही गए होगे कि किस तरीके से
आप लोगों को फ्लैश इफेक्ट अप्लाई करना है अपनी वीडियो पे, ठीक है ना। तो यहाँ से गाइज आप लोग भी कुछ इसी तरीके से अपनी वीडियो पे फ्लैश इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो इसको सेव करने के लिए सिंपली ऊपर वाले एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, एंड जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों की ये वीडियो गाइज गैलरी पे हो जाएगी सेव। तो मिलते हैं किसी ऐसे कमाल की वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।